ऑफिस की गाड़ी के अंदर यदि आपको किसी कारणवश गियर शिफ्टर की तारें केबल्स बदलनी जरूरत पड़ती है किसी भी कारण से, तो इसमें दो केबल लगती हैं, एक खींचती है और दूसरा उसको पीछे की तरफ धकेलती है। तो ये जो दो केबल हैं दोनों का साइज़ बराबर है। यदि आप खींचने और धकेलने वाली केबल पे यदि आपस में केबल बदलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केबल दोनों बराबर हैं। और ये देखिए प्याजो की ओरिजिनल पैकिंग में है, ध्यान रखिए गाड़ी की अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे चलाने के लिए इस प्याजो की पैकिंग की ही केबल का यूज़ कीजिए। इस केबल को लगाने के लिए तीन तरह के टूल हमें चाहिए। सबसे पहले प्लस का स्क्रू ड्राइवर जो कि हैंडल बार में कवर को खोलने काम आएगा, 8 नंबर का टी हैंडल जो कि सिलेक्टर को की के नट एंड बोल्ट को खोलने के काम आएगा, और ये प्लायर। जनरली इस प्लास से आप तार को जब आप केबल बदलने के बाद तार को वापस बांधना शुरू करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये उसको खींचने में आपको मदद करेगी। इससे आप खींचेंगे और इस टी हैंडल की मदद से आप स्क्रू को बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। केबल बदलने के लिए आपको ये सिलेक्टर है, इसमें दो केबल लगी हैं, पहली और दूसरी, ये दोनों हैंडल बार से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको इनको इस टूल की मदद से 8 नंबर की चाबी से इसको लूज़ करना है। जैसे ही आप इसमें टूल लगा के इसको लूज़ करेंगे तो केबल वहाँ से फ्री हो जाएगी। देखिए इसको ऐसे लूज़ करना है, ये आप मेरा हाथ देख रहे होंगे। उसके बाद दूसरी केबल इसको लूज़ करना है। दोनों इसको लूज़ करने के बाद यहाँ से इस घिरनी से इस सिलेक्टर से ये जो केबल हैं ये बाहर तारें बाहर निकल जाएंगी। इसको लूज़ कीजिए, तार को बाहर निकाल लीजिए। हमने पीछे से गियर केबल्स को दोनों केबल को लूज़ कर लिया सिलेक्टर से। अभी हमें गियर केबल हैंडल से फ्री करनी है, इस हमारे हैंडल बार से, गियर लीवर से। उसके लिए सबसे पहले आप ये प्लस का पेचकस लेंगे, दोबारा स्क्रू को लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद कवर को हटाएंगे। अब आप देखेंगे क्योंकि हमारा पीछे लीवर लूज़ है तो ये हमारा फ्री हो गया है गियर केबल। देखिए एक ये पुल कर रहा है, एक पुश करता है, एक पुल कर रहा है, एक पुश कर रहा है। तो सबसे पहले आपने इस केबल को इस खांचे में से बाहर निकाल लेना है लूज़ करके, ऐसे करके ये आपका केबल, ये आपका केबल यहाँ से, ये केबल यहाँ था, यहाँ से बाहर आ गया है। और इस केबल को आप यहाँ से खींच लीजिए, ये पूरा केबल यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरे वाले केबल को यहाँ लाइए और इस खांचे में से लूज़ करते हुए इसको ये इसको ऐसे बाहर निकाल लीजिए। अब दोनों केबल बाहर आ चुके हैं आपके सामने। मैंने आपको दो केबल पहले दिखाए थे, दोनों ही ये केबल हैं जिनको आप बदलना है। तो इन केबल को आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे दो आउटर के थ्रू ये केबल जा रहे हैं, एक ये है और एक यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर को ये दोनों नए केबल लेने हैं, इनको मैंने पहले से पैकेट को फाड़ लिया है। इसके बाद ये केबल लेने के बाद इस केबल को यहाँ से फ्री कीजिए और इस छोर को, ये जो छोर है, इस छोर के अंदर इस तार को निकालने के बाद इसको इसके अंदर डाल के आगे पुश कीजिए, क्योंकि आउटर के अंदर पहले से केबल है, यहाँ पे आउटर लगा हुआ है, तो ये केबल आउटर की से होती हुई पीछे हमारा जो गियर सिलेक्टर है वहाँ तक ये दोनों केबल चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि गियर केबल डालने के बाद आपको इन दोनों लॉक्स के अंदर इसको दोबारा बिठाना है और इन दोनों हुक्स में बिठाना है, और गियर सिलेक्टर न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। यदि गियर सिलेक्टर जो गियर बॉक्स में लगा हुआ है न्यूट्रल पोजीशन में होगा, इन दोनों तारों को लगाने के बाद बराबर दबाव से टाइट करना है, एक तार लूज और एक तार ढीली ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों केबल्स, ये दोनों केबल्स प्रॉपर टाइट होने चाहिए। वापस बदलने के बाद इनको तारों को इसमें वापस बिठा दीजिए और लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आप इनको इस प्रकार इसमें लॉक कर दीजिए। आप देख रहे हैं हमने ये केबल बदल दिए हैं। केबल बदलने के बाद आपको इस लीवर को नहीं छेड़ना है और आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों केबल अपने खांचे में बैठे हों। उसके बाद वापस इस कवर को लगा दीजिए और अब हम इस कवर को वापस स्क्रू की मदद से, पेच स्क्रू ड्राइवर और पेच स्क्रू की मदद से इसको हमने टाइट कर दिया।